गाइस वेलकम टू आवर चैनल एंड सो रिसेंटली अपने मैंने इंस्टाग्राम पे ये शेयर किया और मुझे इतने सारे कमेंट्स इतने सारे रिव्यूज एंड इतने सारे क्वेश्चंस आए कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं. सो दिस इज द प्रोडक्ट जो कि मैंने इन मंथ ऑफ नवंबर स्टार्ट किया था एंड इट गेव मी मैजिकल रिजल्ट्स फॉर एक्ने. सो गाइज एक्ने के देर कैन बी न्यूमरस रीजन फॉर एक्ने लाइक कॉन्स्टिपेशन जिसके बारे में मैंने रिसेंटली शेयर किया अपने लास्ट वीडियो में. इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ जंक फूड क्लाइमेटिक कंडीशन हॉर्मोनल कंडीशन दीज आर दी रीजन क्यों आपको एक्ने हो सकते हैं. बट अगर आपके माइल्ड एक्ने हैं टू डील विद दैट दिस पर्टिकुलर क्रीम आई स्टार्टेड यूजिंग सॉरी जेल आई स्टार्टेड यूजिंग एंड इट वॉज मिराकुलस फॉर माई स्किन. So I'll just start with this. With the first question, what is clindamycin phosphate gel? So clindamycin phosphate gel है. ये एक antibiotic है जो कि आपके जो acne के bacteria grow करते हैं उसको stop करने में help करते हैं. तो आपको further acnes नहीं होंगे. So this is the cream which is going to help you to stop further growth of any acne. The next question is, can you use this cream for your acne marks? I have asked this question to a lot of skin doctors, a lot of dermatologists, even on my Instagram. They told this is not something to deal with your marks. This is just for your acnes, jo ki further na ho. Who can use this gel? So basically, ye gel wo log use kar sakte hai jinko mild एक्नेज हो और आप मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से पहले कंफर्म करें कि वेदर यू कैन यूज इट और नॉट. आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए आप यूज कर सकते हैं कि नहीं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी कि इसे कैसे यूज करना है. सो बेसिकली लॉट ऑफ पीपल यूज दिस ट्वाइस अ डे कुछ पीपल यूज इट वंस अ डे. तो मैं जनरली वंस अ डे यूज करती थी. मैं इसे रात को यूज करती हूँ फेस वॉश करके एंड देन आई अप्लाई ऑल ओवर द फेस. बेसिकली ये आपको अपने सिर्फ एक्नेस पे लगाना होता है बट आई यूज इट ऑल ओवर माई फेस एंड आई ट्राई टू शेयर माई पिक्चर्स एज वेल क्या मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा इस क्रीम के साथ. दिस कैन बी सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर कि आपको दिन में कितने बार इसे यूज करना है और कैसे यूज करना है. तो नेक्स्ट ये है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है. अगर आप इसे ज्यादा ओवर डू कर लेते हो ओवर यूज कर लेते हो तो दे कैन बी साइड इफेक्ट ऑफ इट. एंड कुछ लोगों की स्किन को ये सूट नहीं करता है जहाँ पे उन्हें ड्राइनेस इचीनेस और यू नो रेड रैशेज हो जाते हैं स्किन पे. सो मेक श्योर जब आप इसे यूज कर रहे हैं उससे पहले आप इसे टेस्ट करें आपकी और पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें. दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बट इन माई केस दिस वर्क लाइक अ वंडर. विद इन 2-3 weeks आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आई हैड नो साइड इफेक्ट ऑल्सो विद दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 138 rupees आपको कॉस्ट करता है. और ये कोई भी आपको कोई भी केमिस्ट स्टोर पर आपको आराम से ईजिली मिल जाएगा और काफ़ी सस्ता भी है. तो आई कैन लाइक यू कैन ट्राई यूजिंग इट एंड प्लीज ask your doctor first regarding this thing. Don't tell ki Pooja ne bola maine use kiya aur mere skin pe ye ho gaya. So don't do that. Just ask them and try it out. It might work wonder for you as well. So that's all guys and I would like to show at last ki dikhta kaise hai ye gel and this is how it looks like. It looks like this clear gel. That's all guys and if you like my video make sure to like, comment and subscribe and don't forget to hit this bell button here. Thank you so much for joining me. Bye.